वो क्या, राजेंद्र राठौड़ जी तो आजकल मंदिर मंदिर जाते नहीं है, शाम को पार्टी करते हैं वो। जो शाम को पार्टी करेंगे और जाम से जाम को टकरा के पियो चलाएंगे, तो आप ये बताओ उनको हमारे ऊपर हमारा मंदिर जाना बुरा ही लगेगा? राठौड़ साहब हमारे मित्र हैं, हम उनको बहुत सम्मान देते हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए कि मैं कछावा वंश का, क्षत्रिय राम का वंशज हूँ। एक बीजेपी के फर्जी नेता छोटे मोटे छुटवइए, वो बोले नकली राम के वंशज है। मैंने तुम्हारा बाप भैरव सिंह शेखावत भी नकली था क्या? इनके पिताजी है ना भैरव सिंह शेखावत, तो कह दे हमारे पिताजी नहीं है। और इस चुनाव में कह के देखे बीजेपी, ये कह के भैरव सिंह जी इनके पिताजी नहीं, घोषणा करे बीजेपी, फिर मैं बताता हूँ इनकी कितनी सीटें आती है। भैरव सिंह जी तो इनके पिताजी हैं, वो तो कछावा वंश के क्षत्रिय हैं, हम लोग भगवान राम के वंशज है। लोग वो भी बोलने लगे, वो भी है वंशज जो कभी बोलते नहीं थे। तो मैं यदि ये बोलता हूँ तो मेरे में दम है, इसलिए बोलता हूँ मैं राम का वंशज हूँ। और फिर भी बीजेपी के दर्द है तो कभी आ जाए यार, रस्ते में रोक लेना, पता चल जाएगा कौन राम का वंशज है। मैंने मना तोड़ना किया है, यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ तक मैं तो खुला ही तो घूम रहा हूँ। पहले तो बीजेपी कांग्रेस में भी नहीं था मैं तो, और बीजेपी में भी नहीं था, अकेला था भाई। तब भी कहता था मैं राम का वंशज हूँ, तब भी मेरे से तो ये नहीं भिड़े। मैं बिल्कुल यंग था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता, तब भी कहता था। अब अचानक बीजेपी का दर्द चालू हुआ कि यार राम का वंशज कहने में भी कोई दम है, तो आप नहीं में भी ले वो। तो अखबार में नीचे लिखते हैं ये राम के वंशज है, तो हमने कब कहा राम के वंशज नहीं है? इतना दिन बात किया, आयो था ना यार, प्रताप सिंह के राम का वंशज कहते ही वो सब हो गए। अब वो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये नकली है, तो तेरे पिताजी भी नकली थे क्या भैरव सिंह जी? वो तो तुम्हारे बाबूसा है, बीजेपी वाले कहते माँ का बाबूसा, माँ का बाप है, पार्टी के तो बाप ही है भैरव सिंह जी, पार्टी खड़ी करने वाले हैं। यदि आप कह दो अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह से कहा दो आडवाणी जी हमारे पिताजी नहीं, उन्होंने पार्टी खड़ी नहीं की, पिता के मुकाबले तो सम्मान दोगे उनका, या वो भी बंद कर दोगे? राजवी साहब से भी मैं इसीलिए नाराज हुआ कि राजवी साहब ने, मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ राजनीति के कारण, उन्होंने जो कछावा वंश पे बोला वो मुझे बहुत बुरा लगा। वो कैसे बोल सकते हैं, आप जिन भैरव सिंह शेखावत के भरोसे राजनीति में आए, आप उनके वंश को चैलेंज कर रहे हो? भाई साहब इतना तो मत करो, आप हमारे जवाई हो, आपका हाथ जोड़कर सम्मान, लेकिन हमारे वंश को चैलेंज मत करो। कम से कम हाथ जोड़कर आपसे विनती।